दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 8 सितंबर 2021 है। यह हमारा पहला संभाषण है। दोस्तों आज गई हुई रात को मेरी नींद जल्दी खुल गई, कुछ 12:30 बजे नींद खुल गई। उसके बाद में नींद आई ही नहीं। कुछ 4 बजे के आसपास, 4-5 के बीच में मैं दोबारा सो गया, क्योंकि नींद तो पूरी हुई नहीं। इस बीच में ध्यान प्रार्थना में चिंतन मनन करता रहा, कुछ मैंने आज का ये वीडियो बनाया था आज के लिए, लेकिन यह बनाया था ये वाला। अब लेकिन क्या है, जब मैं अभी सुबह कोई 7:45 बजे मेरी नींद खुली, तो नींद खुली तो मेरे सामने दूसरा ही चित्र था। ये बोलो मंगल, ये बोलो, वो तो पीछे रह गया, बाद में देखना। मेरे साथ ऐसा ही होता रहता है। पहले का शायद ही उसको मैं ट्रांसमिट करता हूँ और नया आ जाता है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। अब भारत और दुनिया के लोग मेरे इशारे पर ही नाचेंगे। अब भारत और दुनिया के लोग मेरे इशारे पर नाचेंगे। भाई आज मैंने ये लिख दिया, क्योंकि सोए खड़े होते ही मुझे परमात्मा ने यही बोला कि ये लिखो। और ये प्रेरणा कहाँ से हुई, क्यों कोई कोई चीज़ किसी भी तरह से कानों में फुसफुसाहट से आ सकती है। वैसे अब भारत और दुनिया के लोग मेरे इशारे पर ही नाचेंगे, ये मुझे मिला। एक चैनल है जिज्ञासु फैक्ट्स, देखो जरा, ये चैनल है एक जिज्ञासु फैक्ट्स, लेडी टॉर्जन, झारखंड में। ये छोटी बच्ची जिसके इशारों पर हाथी नाचते हैं, उस वीडियो का विषय है। लेडी टॉर्जन, झारखंड में, ये छोटी बच्ची जिसके इशारों पर हाथी नाचते हैं। मैंने सुना, मैंने कि भाई बच्ची के इशारों पर हाथी नाचते हैं, तो मेरे तो प्रयोग ये हैं। मैं सोचने लगा, मैंने कि भगवान से मन ही मन बोला कि मैं क्या, मेरे तो प्रयोग है कि मेरे इशारों पर भारत और दुनिया नाचेगी, जैसा मैं कभी कभी बोलता भी रहता हूँ। परमात्मा ने तुरंत ही जवाब दिया, अच्छा है मंगल, अच्छा है, तो अब तुम अपना यह वाक्य लिखो। क्या? अब भारत और दुनिया के लोग मेरे इशारे पर नाचेंगे। तुम वैसे भी तो बोलते रहते हो इस वाणी पर ऐसे, तो मैंने चलो ठीक है लिख देता हूँ। और यह वाक्य मेरे हृदय में ही उतर गया कि इसको लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि किसी वाक्य के, किसी शब्द के मल्टी मीनिंग्स होते हैं, वो एक अलग बात है, फिर कभी बताएंगे। अब भारत और दुनिया के लोग मेरे इशारे पर ही नाचेंगे, झारखंड की लेडी टार्जन बच्ची। फिर मेरे कान में कोई फुसफुसाया, अरे मंगल ऐसा होगा? मैंने कहा भाई क्या भयानक बात कह रहे हो, मैं उसको सीधे सीधे तो नहीं लिख सकता, लेकिन वो चूंकि मुझे देवी संदेश था और मेरे को भी लगता, मेरे हृदय भी कहता, मेरे एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं कि ऐसा होगा, वह उस वाक्य को सुनिए जब भी मैं लिख रहा हूँ, तभी लिख रहा हूँ। मेरे कानों में फुसफुसाया। अब ये लोग, ये भविष्यवाणी देख लो, अब ये लोग है तो गलत बुरी सी, अब ये लोग AOBT जिनका कोड नंबर है AOBT ढूंढ ढूंढ कर मारे जाएंगे, अब ये लोग AOBT ढूंढ ढूंढ कर मारे जाएंगे, और लोग इनके मरने पर खुशियां मनाएंगे। अब ये लोग AOBT ढूंढ ढूंढ कर मारे जाएंगे और लोग इनके मरने पर खुशियां मनाएंगे। देखो भाई भयानक से भविष्यवाणी है, लेकिन भविष्यवाणी है। और दूसरे क्या कुछ होता है, दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है, एक के लिए वही अच्छा है, दूसरे के लिए वही बुरा।
जो परमात्मा ने हमें बताया, हमने आपको बता दिया, हमारे अनुसार सही होगा। 3D जो टेक्नोलॉजी, उसके अनुसार ये सही होगा। हमें लगता है कि ये हमारे दैवीय संप्रेषण था। आज भगवान सबका भला करे। इसको हम वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं, लेकिन पहले आप उस लेडी टार्जन का ये सुनना और सुन लीजिए। इसमें झारखंड की 14 साल की निर्मला टोप्पो, जिन्हें लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है, इनकी बात हाथी मान जाते हैं। निर्मला जब बहुत छोटी थी तो इनकी माँ को हाथी ने मार दिया था। इस घटना से निर्मला को दिमागी रूप से बहुत गहरा असर पहुंचा। जब निर्मला 10 साल की हुई तो वह संकेतों व तरह तरह की आवाज़ निकालकर हाथियों को निर्देश देने लगी। हाथी उसके निर्देशों को मानने लगे। वह हाथियों से अपनी भाषा मुंडारे में भी बात करने लगी। उन्होंने संकेतों, आवाज़ों व भाषा के मिले जुले रूप से हाथियों के लिए एक नया नियम लागू किया। अब जब भी गांव में हाथी आते हैं, निर्मला इस ध्वनि संकेत व भाषा के घालमेल से उन्हें गांव से चले जाने को कहती हैं और हाथी उनके निर्देशों को मानकर चले जाते हैं और फसल बर्बाद होने से बच जाता है। आज पूरे झारखंड में इनकी चर्चा है। अब तो इनके साथ आसपास के गांवों के 10 आदमियों की टीम भी जुड़ गई है। इन्हें दूर दूर से इस काम के लिए बुलाया जाने लगा है। साथ में इन्हें मेहनताना भी मिलने लगा है। लोग इन्हें मजाक में लेडी टार्जन कहते हैं। एक बार उड़ीसा के राज्य के राउरकेला स्टेडियम में 11 हाथियों का झुंड घुस गया। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हाथियों को भगा ना सके। तब तुरंत ही निर्मला से संपर्क किया गया। निर्मला अपनी टीम के साथ आईं और हाथियों को घेर कर उनको अपनी बात समझाईं, उनके साथ मंत्रणा की। हाथी मान गए और स्टेडियम खाली करके जंगल लौट गए। इस काम के लिए प्रशासन ने उन्हें 20,000 रुपये भी दिए। हाँ दोस्तों, यही आज का वीडियो है। अभी आवाज़ मुझसे कह रही है कि अरे मंगल भाई, तुमने भविष्यवाणी तो कर दी, ये तो बताया नहीं कि कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक ये लोग ढूंढ ढूंढ कर मारे जाते रहेंगे। तो उसका ये अंतिम वाक्य का हिस्सा आप वाक्यांश भी सुन लीजिए। ये लोग तब तक, AOBT वाले लोग तब तक मारे ढूंढ ढूंढ कर मारे जाते रहेंगे जब तक कि ये लोग इस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को अच्छी तरह से नहीं सुन लेते। पूरा देश इसे अच्छी तरह से नहीं सुन लेता भाई, ऐसा ही होगा। मुझे तो ऐसा ही बताया गया है। बाकी भगवान सबका भला करे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।